नहीं होगी। जोर जोर में कई टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जोर में कई टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जोर में कई टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दलित आदिवासी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलित आदिवासी अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। महामहिम राज्यपाल महोदय जी राजभवन भोपाल जुलाई को गुना जिले में जो घटना घटी, एक दलित परिवार को पुलिस प्रशासन के द्वारा शिवराज सिंह चौहान के रहते हुए इनकी सरकार में लंबे समय से दलित आदिवासी गरीब मजलूम परेशान तो हैं। 14 जुलाई को जो घटना घटी उसमें उनको ज़बरदस्ती मार पीट करके, छोटे छोटे बच्चों को मार पीट करके उनको बेदखल किया जा रहा था, जिससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने कीटनाशक खाया है। हम पूरे मध्य प्रदेश में गणमान्य गणतंत्र पार्टी के लोग इसका विरोध करते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को उकाड़ फेंकने के लिए हम लोग गांव-गांव जंगल में जाएंगे, क्योंकि इनकी सरकार टोटल झूठ बोलती है और ये सिर्फ दलितों और आदिवासियों के दिखावे की बात करते हैं। और लगातार हमारा आदिवासी दलित पिट रहा है, लाचार हो रहा है और पुलिस भी बहुत ज़्यादा अत्याचार इनके ऊपर कर रही है। उसी में हमारा आज ये ज्ञापन है और हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की सहायता राशि मिलना चाहिए और ऐसी घटनाएँ नहीं घटने चाहिए, नहीं तो बहुत जल्दी से ये सरकार भी यहाँ से इसकी विदाई करने के लिए गणमान्य गणतंत्र पार्टी ने कमर कस ली है। और अगला हमारा आंदोलन जो होगा, हम गांव-गांव में चौक चौराहे में शिवराज सिंह चौहान का पुतला जलाएंगे, ताकि ऐसी मानसिकता, इस तरीके के कोई अधिकारी हमारे लोगों को दबाएं ना, परेशान ना करें। क्योंकि अभी देख रहे हैं हम, लॉकडाउन का भी सिस्टम है लेकिन हमारे लोगों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने बहुत ज्यादती की है अच्छे अच्छे लोगों के साथ, कानून के दायरे में उन्हें काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया है कि यहाँ बोलने वाला कोई नहीं। गणमान्य गणतंत्र पार्टी सीधे सीधे संवैधानिक आधार पे अपने अधिकार मांग रही है और हम चाहते हैं कि जो घटना गुने में हुई है उसका न्यायिक जाँच होना चाहिए, एक आयोग उसका बने और जो भी अधिकारी उसमें दोषी हैं सीधे सीधे उनको बर्खास्त किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना कोई ना कर सके। ये हमारी आज हमारी मांग है।